नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ आज सुबह में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कैसा सीर का दिसंबर में आया, आज 6140 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि निचले स्तर से कुछ खरीदारी बनी है, लेकिन कल की हमने क्लोजिंग 6050 पर देखी है, तो रूपा जी इसको क्या माना जाए, क्या कैसर में एक बार फिर से 6000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कैसर के अंदर अभी गिरावट जो है वो गहरा चुकी है और देखिए नीचे के जो है कल के ऊपरी स्तर काफी नीचे आ चुके हैं, जिसके चलते इसमें प्रेशर है और अब आज जरूर रिकवरी दिखा रहा है मार्केट, लेकिन लोअर लेवल काफी देख लिए हमने, अब 6100 के आसपास है और करें एक्सपायरी से पहले इसमें एक अच्छी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। आज इंट्राडे में पॉजिटिव है, लेकिन अब ट्रेंड यहाँ से जो है वो नेगेटिव होता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, इनसे बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे थे कि कुछ हफ्ते पहले बिनौला खल 2800 का लेवल दिखला चुका था और जो नेक्स्ट वायदा थे, जो अगले वायदा थे, उनमें 2800 का लेवल सस्टेन होकर चल रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि दिसंबर जनवरी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब बिनौला खल में 2800 का लेवल देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 2800 का लेवल अभी दूर है, बिनौला खल एक रेंज में देखने को मिलेगा, या फिर 2800 से लेकर 3000 के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए अखिलेश, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा कि आपने किस कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। रूपा जी, मेरा सवाल बिनौला खल को लेकर था। बिनौला खल में देख रहे हैं कि 2800 का लेवल दिखाने के बाद अब 2700 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नजर डालें, 2800 का लेवल अब कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल में। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में अब क्या 2800 के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल 2800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक्सपायरी की वजह से बाजारों में काफी उठापटक का माहौल है, इस वजह से जो है गिरावट जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, अभी आज भी गिरावट है 2700 के आसपास, 2720 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट। जनवरी वायदा की बात करें तो वहां से वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि 2800 का स्तर दिखा सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि 2720 से जनवरी वायदा नीचे में 2700 तक लुढ़क सकता है। जी, तो यानी कि बिनौला कल में अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ हल्की फुल्की सी करेक्शन बनती नजर आ सकती है, हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है। ये सर रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का दिसंबर वायदा आज फिर से 8800 के ऊपर निकला है, 8886 पर ट्रेड कर रहा है और 9130 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। रूपा जी, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि धनिया में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, 8700 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है, काफी समय से देख रहे हैं 8700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज धनिया ने 9100 के ऊपर का हाई लगाया है, तो क्या आज इंट्राडे में 9200 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में बिना धनिया के अंदर 9200 के लिए भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फिर से? देखिए धनिया पॉजिटिव है और डेफिनेटली जनवरी वाला जो अगर वायदा की बात करें तो जो 8700 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है जी, वो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 9000 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इन स्तरों पर डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, और 9000 के ऊपर निकला तो एक लंबी तेजी की तरफ बाजार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें जीरे की, तो जीरा एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी, आपकी तरफ से आज इंट्राडे में जीरे में क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए आज इंट्राडे में जीरा मेरे हिसाब से डाउन है 15600 तक दिसंबर वायदा, तो जनवरी वायदा 15780 तक लुढ़क सकता है। जी ये सर रूपा जी, नजर डालें अगर हल्दी की कीमतों की तरफ, तो हल्दी में देख रहे हैं कि कल की शानदार बढ़त के साथ आज एक मुनाफा वसूली बनती नजर आई है, हमने जब से देखा है कि बारिश की वजह से साउथ इंडिया में हल्दी की जो क्रॉप्स है डैमेजेस, उन पर डैमेज देखने को मिला है, क्रॉप डैमेजेस हुई है, इसके बाद से कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट हल्दी की कीमतों को मिलता नजर आया था, तो क्या ये जो सपोर्ट है ये आगे भी देखने को मिलता रहेगा, या फिर न्यू क्रॉप जो आएगी वो जो अच्छी बताई जा रही है वो इसको रिकवर नहीं करने देगी? देखिए जहां तक हल्दी की बात है, हल्दी में अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक बार पॉजिटिव जो है मार्केट जा सकता है, डिमांड अभी यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर अप्रैल वायदा 9000 के ऊपर निकलता है तो एक लंबी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए, जो भी डिप मिले उसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर ग्वार की,
तो ग्वार में देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल आज भी जारी है। 10,200 के करीब ग्वार गम का दिसंबर वायदा और 5,800 के करीब ग्वार सीड का दिसंबर वायदा ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में अभी बिकवाली का ही दौर देखने को मिलता रहेगा और निचले स्तर के अभी भी और देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ग्वार में काफी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है और ग्वार एक ऐसी कमोडिटी हो चुकी है जिसके अंदर वोलेटिलिटी काफी आ रही है। 10,000 के ऊपर एक बार फिर से बाइंग बनती हुई दिखाई दे सकती है और जैसा कि हमने देखा भी था कि बाजार ऊपर गए थे, अब वापस वहां से एक बार प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हो सकता है कि 10,000 के नीचे लुढ़क जाए, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स के बाद अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि कुछ मंडियों से खबरें निकल के सामने आई है कि जो किसान है सोयाबीन के, अब वो अपना माल लिक्विडेट करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक करे हुए ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने बीत चुके हैं और जिसकी वजह से सोयाबीन में कुछ बढ़त बनती नजर आई थी। लेकिन अब आगे जो ओमिक्रॉन की स्थिति है उसकी खबरों के चलते किसानों ने अब सोयाबीन को धीरे धीरे लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है, बेच के चलना शुरू कर दिया है। और वायदा में भी देख रहे हैं कि आज सोयाबीन का दिसंबर वायदा 6400 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट सोयाबीन में बनती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मंडियों में आवकों का प्रेशर बढ़ा है और USDA ने अपना जो उत्पादन अनुमान है ग्लोबली उसमें थोड़ी कमी की है कि सोयाबीन का उत्पादन थोड़ा कम रहेगा, ऐसे माहौल में सोयाबीन की कीमतें आगे कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, अभी सोयाबीन की कीमतें जिस तरीके से अराइवल प्रेशर देखने को मिल रहा है उसका असर जो है वो अभी फिलहाल प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइसेस जो है ऊपरी स्तरों पर फिसले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली सपोर्टिव है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इंट्राडे में देखिए एक्सपायरी भी है, इस वजह से भी प्रेशर है। जनवरी वायदा नीचे में एक बार 6280 तक लुढ़कता हुआ फिलहाल दिखाई दे सकता है। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल आ रहे हैं लगातार। अजाज जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सबसे पहले चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि चने में तेजी बन सकती है या नहीं। देखिए, एक मिनट दोबारा से दोहराइए, कौन सी कमोडिटी? हाँ रूपा जी, अजाज जी जुड़े हमारे साथ दर्शक हैं जो चने के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या आगे जाके चने में कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है या नहीं। देखिए, चने में फिलहाल तेजी का माहौल नहीं है अखिलेश, हमें काफी टाइम से हम बताते हैं दालों के अंदर प्रेशर है और फिलहाल दालों के अंदर कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, कोमल कांत जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल शुगर को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं शुगर का फ्यूचर कैसा है। देखिए, शुगर में भी अभी फिलहाल जो है एक अच्छा मूवमेंट हम पहले आते हुए देख चुके हैं और मुझे लगता है कि शुगर भी अभी फिलहाल रेंज बाउंड रह सकती है। इसके अंदर ना तो कोई बहुत ज्यादा मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जी रूपा जी, दर्शक का सवाल है कि क्या मकर संक्रांति के लिए सोया रिफाइंड खरीद करके चला जा सकता है, क्या तेजी आएगी? देखिए, सोया रिफाइंड में तेजी ज्यादा उम्मीद नहीं है अभी। देखिए, ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़कता हुआ भी दिखाई दे रहा है और जनवरी वायदा की बात करें तो अगर 1160 के आसपास आता है तो वहां पर छुटमुट खरीदारी आ सकती है जो कि ऊपर में वापिस से 1200 तक जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई लंबी तेजी नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ संदीप खटकर जी जिनका सवाल M6 कॉटन को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि क्या M6 कॉटन फरवरी वायदा में 35,000 तक जा सकती है? देखिए, अभी 35,000 कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, क्योंकि अभी बाजार जो है यहीं पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटमुट तेजी बन सकती है लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल लंबी तेजी की उम्मीद अब यहाँ से कम होती दिखाई दे रही है एक बार, क्योंकि अगर जनवरी की बात करें तो आगे चलकर मुझे लगता है कि जनवरी ऑनवर्ड्स जो है प्रेशर बनता हुआ कमोडिटी के ऊपर कॉटन के ऊपर दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ टिंकू गुप्ता जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि बिनौला खल फिजिकल में कब लें और क्या लेवल आ सकता है? देखिए, बिनौला खल में अभी 3,000 का स्तर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ कोई स्थितियां ऐसी मन में कोई मतलब यानी कि ओमिक्रॉन का कोई बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आता तो प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए सोमवीर सिंह जी जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार 7,000 तक जा सकता है, क्या अब निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है ग्वार के अंदर? और रूपा जी, हम देखते हैं कि जब भी ग्वार की कीमतें नीचे जाती हैं तो बिकवाली की जगह जो दर्शक हैं वो खरीदारी पे पहुंच जाते हैं, चाहे भले उन्हें बिकवाली की सलाह क्यों ना दी जाए,
उन्हें लगता है कि ग्वार के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलो तो जिससे कि आगे भविष्य में तेजी आ जाए। रूपा जी थोड़ी क्लियरेंस चाहेंगे आपसे कि ग्वार के ऊपर थोड़ी क्लियर किया जाए कि ग्वार में अभी बिकवाली रहेगी या खरीदारी। देखिए अभी फिलहाल खरीदारी जो है वो हावी हो सकती है, जैसे ही बाजार नीचे आते हैं वहां पर वापस से, जैसा कि देखने को भी मिलता है कि वापस से बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए दिखाई देती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं वायदा के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि अभी ग्वार जो है बहुत ज्यादा बिकवाली की तरफ नहीं है, इसमें अभी जो है ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं और इसके अंदर बाइंग जो है निचले स्तरों पर आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, मोनू जैन जी जुड़े हैं जो सरसों के भाव जानना चाह रहे हैं कि सरसों के भाव आगे क्या देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी आवक के तो अच्छी बताई जा रही है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से रकबा बढ़ा है सरसों का इस बार काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कीमतें अच्छी मिली थी इस बार किसानों को सरसों की, रकबा बढ़ा है तो बम्पर आवकें भी होंगी, बम्पर पैदावार भी होगी, तो क्या ऐसे में अभी सरसों को लिक्विडेट करके चला जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि MSP से तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है सरसों। देखिए बिल्कुल सरसों के अंदर अभी जो है ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो हावी हो सकता है और डेफिनेटली इसके अंदर मुझे लगता है कि लिक्विडेट में ही रहना चाहिए, जो भी बाउंस बैक आता है उसमें धीरे धीरे मार्ग को निकालना चाहिए, क्योंकि अराइवल प्रेशर के बाद जो है जैसे ही अराइवल्स बढ़ेंगे तो कीमतों के ऊपर एक दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अमित पटेल जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल प्याज को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं प्याज में क्या करके चला जाए अभी। देखिए प्याज में फिलहाल बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, अभी फिलहाल प्याज के अंदर तेजी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जो सवाल कर रहे हैं मेंथा को लेके कि मेंथा में अभी कैसा रुझान रहेगा। देखिए मेंथा में अखिलेश, हमने जैसे पहले भी बताया था कि मेंथा में गिरावट का ही रुझान है और हमारी तरफ से बिकवाली का ही कॉल था और अभी भी हमें लगता है कि मेंथा जो है वो दबाव में ही रह सकता है, फिलहाल इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के टॉपिक जानना चाहूंगा आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है एग्री कमोडिटीज के अंदर। देखिए आज सभी कमोडिटीज में गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, आज तो बिकवाली का दौर जो है इंट्राडे में बढ़ सकता है, लेकिन वही बात करें आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि बिनोला खल और आगे चल के हल्दी में तेजी बन सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं रितेश जैन जी जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रहे हैं कि धनिया का आउटलुक क्या है। रितेश जैन जी, धनिया का आउटलुक पॉजिटिव ही है, हमने धनिया की वीडियोस भी अपने चैनल पर डाली हुई है, कल भी धनिया की वीडियो गई है आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि धनिया 2022 में कैसा रहेगा और क्या लेवल्स रहेंगे, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। घनश्याम अतोलिया जी हैं जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, लहसुन के बारे में बताइए। घनश्याम जी, लहसुन में अभी हाल फिलहाल में मंदी ही देखने को मिल रही है, उत्पादन भी ठीक ठाक है, आवकें ज़्यादा है, उत्पादन ठीक ठाक है, जिसकी वजह से लहसुन की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में नरमी देखने को मिल रही है। विक्रांत जी हैं, सोया ऑयल में क्या करना चाहिए, भाव नीचे कितना आएगा। विक्रांत जी, सोयाबीन रिफाइंड सोया तेल के अंदर अभी एक रेंज देखने को मिलेगी जो कि मान के चलिए कि 1160-1180 से लेकर ऊपर में मैक्सिमम 1220 तक वायदा के अंदर देखने को मिलती रहेगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, अभी एक ऐसी सीमित दायरे में देखने को मिलता रहेगा। हसमुख आहिर जी हैं, कॉटन के बारे में पूछ रहे हैं। जी देखिए अभी हसमुख जी, कॉटन में ओवरऑल रुझान तो तेजी का ही है क्योंकि घरेलू डिमांड काफ़ी अच्छी है अपनी, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा था कि लॉकडाउन में सारे बिजनेस ठप पड़ गए थे, स्पिनिंग मिले, कटाई मिले, सारी की सारी ठप पड़ी हुई थी, जैसे ही लॉकडाउन खुला अचानक से डिमांड आनी शुरू हुई, अचानक से ऊंचे स्तरों पर भी कॉटन की खरीदारी हुई थी। अभी हाल फिलहाल में भी हमने कॉटन की जो फसलें हैं पहले पिंक बॉल वॉर्म आर्मी से ख़राब होती हुई देखी है, जिसकी वजह से जो उत्पादन था, जो क्रॉप थी वो सीमित हो गई थी, फिर ऊपरी स्तरों पर उनकी बिकवाली हुई थी, अब फिर भारी बारिश ने भी कॉटन की कीमतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रुझान है कॉटन में तेज़ी का ही बना हुआ है। हालांकि अराइवल प्रेशर था लेकिन भारी बारिश की वजह से अब वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता नज़र आ रहा है, और कॉटन अब उस श्रेणी में जा चुकी है जब कॉटन को कॉटन या कपास नहीं सफ़ेद सोना कहा जाए। साल 2022 में कॉटन का जो आउटलुक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, साल 2022 में कॉटन आपको काफ़ी शानदार मुनाफा देती नज़र आएगी। ऋषभ जैन जी है, सोयाबीन में क्या करें। जी देखिए, अगर आप हाजिर में सोयाबीन रखा हुआ है आपने, तो अगर आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते रहें,
पूरा करने की सलाह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भी लिक्विडेट करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लागत निकल रही है तो सोयाबीन को ज़रूर बेचें। इस बात का वेट ना करें कि आगे जो भाव है वो 10,000-12,000 तक जाएगा, क्योंकि अब जो किसान है धीरे धीरे लिक्विडेट कर रहे हैं। मंडियों में अराइवल प्रेशर बढ़ चुका है सोयाबीन का, क्योंकि किसानों की जो क्षमता है वो ज़्यादा रोकने की नहीं होती है। जो छोटे मझोले किसान होते हैं वो ज़्यादा देर काफ़ी समय तक अपनी सोयाबीन को रोक कर नहीं चल सकते हैं, जिसकी वजह से मंडियों में अभी कुछ आवकें बढ़ती नज़र आई हैं। लेकिन जनवरी 2022 तक सोयाबीन हो सकता है कि 7,000 तक जाता नज़र आ जाए, अभी ऐसा जानकारों का कहना है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो सोयाबीन है जनवरी तक 7,000 तक जाता नज़र आ जाए। जयमल जी हैं, जीरे में क्या होगा? जयमल जी, जीरे में पॉजिटिव रुझान है। एक्सपोर्ट डिमांड अब दिसंबर के अंत तक धीरे धीरे उठनी शुरू हो जाएगी। जो निर्यात मांग है जो कि फरवरी 2022 तक अपने पीक पर रहेगी, तो जनवरी 2022 और फरवरी 2022 ये दो महीने ऐसे रहेंगे जो जीरे के लिए काफ़ी शानदार तेज़ी वाले रहेंगे। तो आप इन दो महीनों के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।